हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज के दिन की शुरुआत जो है वो मेरे छोटे से मंदिर से। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पोहे की रेसिपी। तो चलिए पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मुझे पोहा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे कटे हुए आलू और शिमला मिर्च, प्याज और करी पत्ता और मूंगफली। तो चलिए अब हम यह कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे और ये मूंगफली जो है इसको फ्राई कर लेंगे। और ये पोहा जो है ये अभी सूखा है, ड्राई पोहा है, इसको मैंने वॉश नहीं किया है। तो इसको तब तक धो के वॉश करके रख देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है और यहाँ पे तेल जो है वो गर्म हो गया है और अपनी मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और मूंगफली को अच्छे से फ्राई करना है कि अच्छे से क्रंची हो जाए। तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। मूंगफली यहाँ पे मेरी जो है वो अच्छे से भुन गई है, फ्राई हो गई है। और इसको अब हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो चलिए अब मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है और अब मैं इसी तेल में डाल दूँगी मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के बीज और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़े से डाल दूँगी इसमें 15 से 20 करी लीव्स, करी पत्ते। और यहाँ पे गैस को अपनी को सिम कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूँगी हींग पाउडर और अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से प्याज। और प्याजों को भी हमने ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस इनको हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। जैसे हम सब्जी के लिए भूनते हैं बस वैसे नहीं भूनना है इनको, क्योंकि पोहे में तो सारी सब्जियां जो हैं वो थोड़ी कच्ची हों तो वही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं प्याज को भून लेती हूँ। अब हम इसमें, इसको मैंने हल्का सा भून लिया है, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मुझे पोहे में ज़्यादा हल्दी पसंद नहीं है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डालूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं जैसे सब्जी में डालते हैं। और इसको अच्छे से हल्दी पाउडर डाल के चला लेंगे। अब मैं इसमें डाल लूँगी सब्जियाँ। तो इसमें मैं डाल रही हूँ कटे हुए बारीक चॉप किए हुए आलू और इनको भी अच्छे से मसाले में मिला लेंगे। अब मैं डालूँगी थोड़ी सी कैप्सिकम। तो मैं ज़्यादा सब्जियाँ नहीं ले रही हूँ पोहे के लिए क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत कम सब्जियाँ पसंद हैं। तो जो पसंद है मैं वही लेती हूँ, आप जो चाहो वो ले सकते हो। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए, जैसा आप नमक खाते हैं खाने में। तो मैं अब इसको मिला लूँगी अच्छे से और इसको हमने कुछ ढक के नहीं पकाना है, बस ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहना है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि पोहे के लिए सब्जियाँ जो हैं वो ज़्यादा पकी हुई नहीं चाहिए। तो अब हम इसको बीच बीच में चला लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जियां जो वो हैं वो मेरी रेडी हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये अपना वॉश किया हुआ पोहा और इसको भी अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब मैं इसमें डाल लूँगी ये अपने फ्राई किए हुए पीनट्स यानी मूंगफली के दाने और इनको भी अच्छे से
मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए मेरा पोहा जो है वो बन गया है। मेरा पोहा जो है वो फाइनली बन गया है। और चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे पोहे को जूस के साथ सर्व कर रही हूँ। मैं जूस के साथ लूँगी इसको, और आप चाहो तो चाय के साथ भी ले सकते हो। और बस एक बार पोहा मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरी रेसिपी जो है आपको कैसी लगी। और चलिए आज की रेसिपी को, आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय।